नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। पटना में आज पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में आज होगी विधायक दल की बैठक, जहां चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर लग सकती है मुहर। बता दें कि भाजपा ने मुख्यमंत्री के चयन के लिए छत्तीसगढ़ में 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं, जिनमें अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनवाल और पार्टी महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम का नाम शामिल है। पंजाब में आज से शुरू होगी भगवंत मान सरकार की तुहारे द्वार स्कीम, जिससे घर बैठे मिलेगी 43 नागरिक सेवाएं। पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे जमशेदपुर के XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनम जुबली समारोह में मैनेजमेंट छात्रों को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली के सभी कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जहां अदालत में निपटारे के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन चलान सहित करीब 2,28,000 मामले आएंगे। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है, जहां आज एक बार फिर से लाडली बहना योजना की अगली किस्त आने वाली है। इसकी पुष्टि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर पोस्ट करके दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। इस दिन को मनाने की औपचारिक शुरुआत 1950 से शुरू हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय महासभा ने प्रस्ताव 423B पारित किया, जिसमें सभी राज्यों और इच्छुक संगठनों को प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया था। बता दें कि मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति का जीवन आजादी बराबर और सम्मान का अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत होने जा रही है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा, जहां देश भर के करीब 1400 खिलाड़ी इकट्ठा होंगे और भाग लेंगे। अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को बड़ा झटका लगा है, जहां बीएसपी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। बसपा के उत्तर प्रदेश कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि पार्टी विरोधी कृत्यों के कारण उन्हें पार्टी ने निलंबित किया है। बिहार लोकसभा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले दिन सीतामढ़ी DAV परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंचने के कारण वहां की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इस परीक्षा केंद्र पर 444 अभ्यर्थी भाग लेने वाले थे। दिल्ली नगर निगम में बजट हुआ पेश। निगम आयुक्त ने कहा, संपत्ति कर से आय का बना नया कीर्तिमान, बीजेपी ने बताया काला दिन। शिरोमणि अकाली दल को लगा बड़ा झटका, जहां मोहम्मद ओवैस आम आदमी पार्टी में हुए शामिल, सीएम भगवंत मान ने किया स्वागत। हरियाणा के पंचकुला के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी बिरादरी में भ्रष्टाचार खत्म करने का चुनौतीपूर्ण कार्य किया है, इसे हम सबको मिलकर खत्म करना होगा। उत्तराखंड में सरकारी योजना का लाभ दिलाने और आधे दाम पर वाहन दिलवाने का झांसा देकर जालसाजों ने 30 लाख रुपए ठग लिए। वाहन न मिलने पर जब पैसे वापस मांगे गए तो उल्टा प्रीत को ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर जेल भिजवाने की धमकी दी, जिसके बाद प्रीत ने थाना पूल भट्टा में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 5 महिला समेत 20 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, माओवादी गतिविधियों को अंजाम देने में थे सक्रिय। मध्य प्रदेश में भाजपा को वोट देने पर एक मुस्लिम महिला की उसके देवर ने पिटाई कर दी थी। अब पीड़ित महिला समीना ने इसको लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के पनोह और असला गांव के लोग उल्टी और दस्त से पीड़ित हैं और यहां इसके करीब 25 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पानी का सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया है। इसके अलावा विभाग ने यहां पर मेडिकल ऑफिसर भी तैनात कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 को लेकर कहा कि प्रदेश प्रशासन जिस तरह से व्यवहार कर रहा है उससे जाहिर हो रहा है कि अनुच्छेद 370 के संदर्भ में दायर याचिकाओं पर आने वाले निर्णय राष्ट्रहितों के खिलाफ हो सकता है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला के दौरान SL/ST के योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दिए जाने के खिलाफ पिछले 1000 दिनों से कोलकाता में लगातार धरना चल रहा है, जहां धरने के 1000वें दिन पर सिर मुंडन कर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 40 से ज्यादा जगहों पर NIA ने की छापेमारी, ISIS के कई लोगों को किया गया गिरफ्तार। गुजरात में नशे में धुत युवकों ने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी, खुद को बताया गृह राज्य मंत्री का PA, ट्रांसफर करने की भी दे दी धमकी। राजस्थान की हार पर कांग्रेस में जबरदस्त मंथन के बाद वोट से हारने वाली सीट चिन्हित की गई और 2024 लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर कमर तोड़कर मेहनत करने की बात कही गई। MLC जितेंद्र सेंगर चरखारी नगर वार्ड अमरगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवासों के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और हवन पूजन कर फावड़ा चलाकर आवासों का निर्माण कार्य शुरू कराया। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है सुनील कुमार पाथीपाका, सुधीर कुमार मिश्रा, परशुराम सिंह, चंद्रजीत, मुरलीधर चौधरी, सुमित कुमार सिपुरी सहरसा, SP सिंह, विष्ट तिवारी, अशोक परमार, अयोध्या प्रसाद राठौर, दीनाबंधु कलसाई, गौतम महतो, शिवाजी पटेल, शिल्पी विवेक बैनर्जी, संतोष भटनागर, गौरी शंकर साह, सुनील कुमार मिश्रा, सुशील श्रीवास्तव, सुरेंद्र, बलेंदु शर्मा, अरुण दांगे, निधिनाथ पांडे, केशव चंद तिवारी, अरविंद पासवान, निरंजन जोशी, विजय सिंह बैरवा, भवन यादव, नवरत्न सिंह, सतीश चौबे, करुणा चक्रवर्ती, बंटी हजारिका, वर्दिन विश्वकर्मा, बलवंत सिंह गिल, नारायण सिंह, गुडवेज ट्रेवल, सत्येंद्र साह, सलाउद्दीन शेख, प्रवीण कलिता, महादेव शर्मा, वीरेंद्र कुमार, संजय आचार्य, अंसारी रसीद, कैलाश जाट, दिलीप मिश्रा, अशोक आर्या, मेदिलाल मौर्या, पंकज गौतम, प्रवीण कुमार, राजेश रॉय, रक्ष आर्या, संतोष कुमार गौप, अश्वनी शर्मा, रणधीर सिंह, MD मुमताज, KP तिवारी, प्रहलाद पंडित, नईम जाफर और DK पाठक। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।